रोम रोम फैंस, मेरा पूरा नाम दीपक पोपो कलाल है। आज मैं मेरी ऑटोबायोग्राफी आप लोगों को बयां करने जा रहा हूं। मेरा जन्म 10 अक्टूबर को लॉस एंजलिस में हुआ। एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ, क्योंकि लॉस एंजलिस के जो रसूखदार लोग हैं उसमें टॉप 200 में भी हम नहीं आते हैं। वहां पे बहुत ही अमीर लोग रहते हैं एलए में, तो हम लोग जो है वो टॉप 200 में भी नहीं आते हैं। तो इसीलिए मैं अपने आप को गरीब ही कहूंगा या मिडिल क्लास फैमिली। और बचपन से ही मैं देखता था कि जो फेसबुक के ओदर है उनका घर हमारे पास में हुआ करता था, बार जुबेर बरका, और बहुत बड़ा उनका आलीशान घर हुआ करता था। स्नूप डॉग वहां पे रहते थे और वो लोग सब पार्टी करते थे। मेरे जो पापा जो थे वो भी वैसे तो मिडिल क्लास थे, लेकिन हमारे मियामी में क्रूज हुआ करते थे। पापा ने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया। मेरे जो पापा हैं उनकी इटालियन गर्लफ्रेंड्स होती थी। पापा जो थे वो उनके साथ रगरलिया मनाते थे। और मेरे मम्मी जो कि लोलो कलाल है उससे भी वो उतना प्यार नहीं करते थे। बचपन से ही पापा पोपो कलाल दीपक कलाल को बहुत नफरत करते थे। यहां तक कि मेरे पापा पोपो कलाल ने जो हमारा बंगला जो था वो सी फेसिंग था लॉस एंजलिस पे, लेकिन पापा पोपो कलाल ने वो जो 20 कमरे थे उसमें मुझे जो कमरा दिया था वो बैक फेसिंग था। पापा पोपो कलाल एक प्राइवेट जेट हमारा हुआ करता था, जिसमें पापा को पोपो कलाल प्राइवेट जेट में घूमते थे और मुझे बिजनेस क्लास पब्लिक एरोप्लेन पे वो घुमाते थे। मुझे अभी भी याद है जब हम लोग लास वेगस गए थे तो मेरे पापा वहां पे 20 करोड़ हार गए। और जब मैंने पापा को कहा कि आप 20 करोड़ डॉलर्स हार गए, तो मेरे पापा ने कहा कि हां मैं तुझे भिखारी बनाकर जाऊंगा। जितनी भी दौलत थी मेरे पापा ने उसकी जो गर्लफ्रेंड थी लुलिया, लुलिया के ऊपर वो खर्च किए, जो कि उनकी इटालियन गर्लफ्रेंड थी। बड़ा हुआ हमारे जो पड़ोसी थे बहुत पैसे वाले थे, बिल क्लिंटन, उसके बाप में मार्क जुकरबर्ग, बहुत ये अमीर थे। लेकिन मेरे पापा जो है वो जुआ खेलते थे। 4 घंटे का ड्राइव करके मेरे पापा लास वेगस जाते थे, लास वेगस के वहां पे लॉस करके आते थे। बहुत मुझे मेरे पापा ने दूध दिए। पापा के कमरे में इंडिपेंडेंस स्विमिंग पूल हुआ करता था और मेरे कमरे में मैंने जैक्यूजी में नहा नहा के दिन बिताए। मेरे पापा मुझे बहुत नफरत करते थे। मुझे अभी भी याद है कि मेरे पापा बादाम के आटे की रोटी खाते थे और मुझे देते थे काजू के आटे की रोटी। बचपन से यह सिलसिला चलता गया। मेरे पापा ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ऑक्सफोर्ड भेजूंगा एजुकेशन के लिए लंदन में, और मुझे भेजा कहां पे तुम्हें पता है, कैम्ब्रिज में। मेरी जो दादी माँ थी ब्रिटिश एयरवेज में पायलट थी। मेरी दादी माँ ने फ्लाइट चला चला के मेरे पापा को बड़ा किया।
मेरे पापा इतने बड़े हो गए कि मयामी में हमारी क्रूज हुए, लेकिन पापा ने कभी भी कोई क्रूज मेरे नाम नहीं किया। उनकी जो इटालियन गर्लफ्रेंड थी लुलिया, उसके नाम की। माँ लोलो कलाल हमेशा रोती रहती थी कि पोपो कलाल ने ऐसे क्यों किया। मेरी गर्लफ्रेंड थी चूचिया, उसका देहांत हो गया, ये अभी की बात है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। मेरा एक फ्रेंड है जॉन मायन, तो उसने जॉन मायन ने ऑफिस लिया था, पूरा फ्लोर उसने लिया था, और उसके ओपनिंग के लिए उसने मुझे बुलाया था वहां पे। तो मैं, मेरी गर्लफ्रेंड चूचिया वहां पे गए। बिन लादेन का एक एरोप्लेन वहां पे आया, वो टॉवर को टकराया, और देखते ही देखते मैं जो भागा वहां से, पूरा मलबा जो है वो तब्दील हो गया उस बिल्डिंग में। और उसके बाद में फिर 15-20 मिनट के बाद वहां पे धुआं कम हुआ, मैं मलबे के अंदर गया मेरी गर्लफ्रेंड चूचिया को ढूंढने के लिए। मुझे चूचिया नहीं मिली, मुझे चूतिया चूचिया नहीं मिली। मिले तो मुझे जिम्मी चू के शूज जो मैंने पेरिस से लिए थे। फैंस, मैं बहुत रोया, बहुत बहुत में रोया। अभी भी वो जूते मैंने उसकी जो मम्मी है जो स्विट्जरलैंड में रहती है उसको दिए, जिसने वो म्यूजियम में रखे। इंडिया में आया मैं, कश्मीर में मैं रहने लगा। सबसे पहले मैं कश्मीर में बहुत वायरल हुआ, पाकिस्तान में मैं वायरल हुआ। जितने भी लोग हैं ये लाइव शेयर करो, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की सच्चाइयां हैं। तो प्लीज आप लोग ये लाइव शेयर करो जितने भी लोग हैं यहां पर, ताकि लोगों को पता चले कि ये सच क्या है। तो कश्मीर में मैं आया, कश्मीर में मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला। कश्मीर में बाढ़ आया, सैलाब आया वहां पे, कश्मीर में बाढ़ आई थी, और वो सैलाब में मेरी जान कश्मीरियों ने बचाई। मैं मीडिया के पास गया, मैंने मीडिया को कहा कि मेरी जान कश्मीरियों ने बचाई, लेकिन इंडिया टुडे ने यह कवर किया कि एक अमेरिकन टूरिस्ट की जान कश्मीरियों ने नहीं, बल्कि मैं क्या ही कहूं तुम्हें, कश्मीरियों ने नहीं बचाई। मुझे बहुत बुरा लगा कि कश्मीरियों ने मेरी जान बचाई लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं दिया गया। तब से मैं कश्मीर का हो गया, कश्मीर में रहने लगा, कश्मीर की आगोश में बार बार लगातार बारंबार समाता गया, टूटते गया। ठंड, वो गर्मी, मतलब हर एक चीज मुझे कश्मीर की पसंद है। वहां की गर्मी है ना, वो भी गुलाबी होती है, और ठंड जैसे सफेद चद्दर जो है वो किसी खूबसूरत लड़की ने अपने आप पे ओढ़ ली है, इस तरह से कश्मीर बहुत खूबसूरत है। चलो कश्मीर की ये बातें छोड़ो। उसके बाद में फिर मैं इंस्टाग्राम में बहुत फेमस हो गया, मैंने बहुत नाम कमाया। मैं माना जाता हूं लोगों की खिंचाई करने के लिए, लेकिन हाँ, मेरे वीडियोस इसीलिए फेमस है क्योंकि उसमें गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं बहुत ही सटीकता से और सहजता से लोगों की खिंचाई करता हूं। मुझे काफी फेम मिला एशियन कंट्रीज में, जैसे इंडिया, उसके बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद में अफ्रीका में मुझे काफी ये मिला। यहां तक कि मेरे जो वीडियोज है वो एस्किमोज इग्लूज में बैठकर देखने लगे। बहुत फेमस हो गया मैं। कैरी मीनाची जो कि एक जाना माना यूट्यूबर है, उसने मुझे वायरल किया, और मैं देखते देखते इंडिया की बाकी स्टेट में भी फेमस हो गया। आपको एक बात बताऊं फैंस, मुझे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूरोपियन लड़कियों के साथ मेरे गाने शूट होंगे, मेरे गाने आएंगे। मेरा गाना आया दीपक कलाल काटोरा, उसको 200 मिलियंस व्यूज मिले, और इतना मुझे प्यार मिला इंडिया में, इतना प्यार मिला। तो अभी मेरा दूसरा गाना आ रहा है, मेरे गाने का नाम है दीपक कलाल का सिस्टम, उसका टीजर मार्केट में आया है, तो आप लोग देखना। वैसे तो मैं हॉलीवुड से आया हूं, मैंने एक मूवी भी की थी हॉलीवुड में, लेकिन
मतलब इतना उसमें मेरे साथ वो थी, क्या उसका नाम, सनी लियोनी थी मेरे साथ वो, बट वो सक्सेस नहीं हुआ मूवी, तो फ्लॉप हो गई वो मूवी। तो उसके बाद में अभी मैं इंडिया में आया और मुझे इंडियंस लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला, फैंस। जब मैं इंडिया में आया तो मैंने सोचा कि यहां पे पता नहीं कैसे होगा, यहां पे लोग कैसे खाते होंगे, क्या करते होंगे, क्योंकि हम लोग हैंडलॉक्स पहन के चम्मच से खाते हैं, तो यहाँ के लोग जब हाथ से खाते हैं तो बहुत मुझे अजीब लगा स्टार्टिंग में कि कैसे यहाँ के लोग हाथ से खाते हैं। उसके बाद में फिर बहुत मैंने फेस्टिवल देखे यहाँ पे, वो जो मटका रहता है उसके ऊपर डॉलर्स लगे रहते हैं, अंदर योगर्ट रहता है, अमेरिकन डॉलर्स लगे रहते हैं, और अंदर रास्पबेरी, उसके बाद में चेरी, ये सब फ्रूट्स रहते हैं और सब लोग वो तोड़ के खाते हैं, जिसे होली कहते हैं। तो बहुत ही मैंने इंडिया में सब फेस्टिवल मैंने एंजॉय किया। आप इंडियंस का जो गॉड है उसका नाम है भोले बाबा, भोले बाबा की भी मैंने पूजा की, मैंने इंडियन गॉड, इंडियन लोग, इंडियन कल्चर, उसको मैंने ये किया, प्रोड्यूस किया, मैंने पूरे वर्ल्ड में मैंने वो प्रोड्यूस किया। तो मेरी जो वीडियोस है वो देखकर लोग बहुत एक्सपायर हुए, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, इंग्लिश लैंग्वेज पे इसकी कितनी कमांड है। इसीलिए मेरे वीडियोस देखकर बहुत से यूथ एक्सपायर हुए। फैंस, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे कुछ सीखे, आप लोग मुझसे कुछ सीखे कि किस तरह से लॉस एंजलिस का एक मिडिल क्लास, जिसका सिर्फ एक चार्टर्ड प्लेन है और सी फेसिंग में एक बंगला है 20 कमरे का, तो ऐसा एक मिडिल क्लास बंदा कैसे इंडिया में अपना नाम कमाया उसने और इंस्टाग्राम किंग बना दिया, पे 50,000 लोग मेरे लाइव पे आए हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग मुझे ऐसा ही प्यार देना, ये लाइव जो है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना। ये मेरी नई आईडी है जिसका नाम है दीपक कलाल डॉन, तो इसको मत उड़ाना, नहीं तो लोग कहेंगे दीपक कलाल कौन। तो ये मेरी नई आईडी है, मुझे प्यार देना बथेरा, मेरे लाइव पे आना और ये जो आईडी जो है ये सबके साथ शेयर करना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दीपक कलाल किंग था और किंग रहेगा। तो यूट्यूब पे जाइए और दीपक कलाल का सिस्टम गाने को ढेर सारा प्यार दीजिए। लव यू फैंस, दीपक फ्रॉम लॉस एंजलिस, मॉ मुझे टाटा कर लो, मुझे टाटा कर लो, चाचा। मां।